एनएनडीआई और जीएनडीआई, ये दो कंसेप्ट आपके और हैं जिनको कि हमको डिस्कस करना है, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है, जो एनएनडीआई है, इसी को हम एनडीआई भी कहते हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी कहते हैं, ये दोनों एक जैसे कंसेप्ट हैं। ठीक है, एनएनडीआई या एनडीआई कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एनआई चाहिए होगा। एनआई मींस नेशनल इनकम, या इसको आप एनएनपीएफसी भी कह सकते हैं। ठीक है, एनआई के साथ में आप एनआईटी ऐड करेंगे और एनआई के साथ में आप एनसीटीएफआरओडब्ल्यू ऐड करेंगे, यानी एनआई प्लस एनआईटी प्लस एनसीटीएफआरओडब्ल्यू इज इक्वल टू नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपके पास एनआई की वैल्यू नहीं दी है, मींस एनएनपीएफसी इज नॉट गिवन, देन अगर कोई दूसरा एग्रीगेट दिया हुआ है, उस एग्रीगेट में आप डेप एनआईटी और एनएफआईए की हेल्प से उसको पहले आप एनआई में कन्वर्ट करेंगे, एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें एनआईटी ऐड करेंगे, एनसीटीएफआरओडब्ल्यू ऐड करेंगे। एनसीटीएफआरओडब्ल्यू क्या है, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये एनआईटी क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये दोनों आप जब ऐड कर देंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एनएनडीआई, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम या नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको जीएनडीआई निकालना है, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है, अगर आपको ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला ये है कि आप एनएनडीआई में डेप्रिसिएशन डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है उसको जो है उसमें आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में। और दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप सीधे एनआई या एनएनपीएफसी प्लस एनआईटी, एनआईटी प्लस एनसीटीएफआरओडब्ल्यू और प्लस डेप्रिसिएशन, ये तो आप इन दोनों तरीके से आप जीएनडीआई निकाल सकते हैं, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं, एनएनपीएफसी प्लस एनआईटी प्लस एनसीटीएफआरओडब्ल्यू प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू जीएनडीआई, या आपने अगर एनएनडीआई निकाल रखा है तो आप एनएनडीआई में सिंपली डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए तो आपको जीएनडीआई की वैल्यू मिल जाएगी। ये एनएनडीआई और जीएनडीआई निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे, एनएनपीएफसी, देन एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड देन नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है,